हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ 26 अप्रैल। 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रकाश सिंह बादल पास्ड अवे, इनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ 5-time CM ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देखो, लीडर ऑफ अकाली दल, सीनियर कांग्रेस लीडर थे, जिन्होंने 5 बारी मुख्यमंत्री सर्व किया था फॉर डिफरेंट टेन्योर्स एज अ CM ऑफ पंजाब। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो आपको स्टेट बताना था। इसमें करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। राइट नाउ मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी, यानी कि आपकी सरकार है, भगवंत सिंह मान जो राइट नाउ सीएम है हमारे पंजाब स्टेट के। ओके, तो प्रकाश सिंह बादल का भी रिसेंटली 95 इयर्स की एज में इनका डेथ हो गया। इनके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ मैंने शेयर की है। ओके, ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर एज ए विलेज सरपंच, देन उसके बाद इन्होंने कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़े थे 1957। अकाली दल के लीडर भी थे प्रकाश सिंह बादल। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इतना सा आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर सिटी सेलम टाइगर रिजर्व इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी ये न्यूज़ में था, आपको ये बताना है कि ये कौन सी राज्य में है, कौन सी स्टेट में है। यू नो, नागार्जुन सिटी सेलम टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ओनली टाइगर रिजर्व इन स्टेट, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टेट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है एंड नागार्जुन सागर, एंड ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया का। ओके, अब आपको स्टेट ही बतानी थी, स्टेट मैंने आपको बता दी आंध्र प्रदेश। अब ये न्यूज़ में क्यों था? बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया बेसिकली फॉर दिस टाइगर रिजर्व, इस जिसमें भी अगर आपको जंगल सफारी करनी है, फॉरेस्ट एंट्री लेनी है इसमें, तो आपको फास्ट टैग बेस्ड पेमेंट्स, इसमें बेसिकली MOU यही साइन हुआ कि मैनुअली पेमेंट्स नहीं होगी, फास्ट टैग बेस्ड पेमेंट्स की जाएंगी जंगल एंट्री के लिए, फॉरेस्ट एंट्री के लिए। तो अब ये न्यूज़ में था, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इमर्ज एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2022-2023। अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो चुका है, सो नाउ कौन सा कंट्री बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये इमर्ज हुआ है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज USA। यू नो, USA के साथ हम काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कैटेगरी में हम बात करें तो। इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर हमने 128.55 या $128.55 billion हमने ट्रेड किया है USA के साथ। एंड यू नो, लास्ट ईयर के साथ मैं कंपेयर करूँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करूँ, तो 7.5% इंक्रीज भी देखा गया। ओके, सेकंड नंबर पे चाइना है, जिसके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एंड यू नो, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, हमने ज़्यादा चीज़ें USA से परचेज नहीं की, इवन हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। ओके, हमने बाहर एक्सपोर्ट की हैं USA को, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी जो बना है हमारा USA है, सेकंड नंबर पे चाइना, ही आपको याद रखना है। फिगर्स भी आप याद रख सकते हो, 128.55 बिलियन डॉलर, जो 7.5% इंक्रीज भी देखा गया। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव मोर देन 50 लाख शेयर होल्डर्स। सो 50 लाख से अब शेयर होल्डर्स हैं इस इंडियन कंपनी, हमारा ये बैंक का, तो आपको बताना है इसका नाम। सो इस बैंक का नाम है येस बैंक। ओके, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई आपको मिल जाएंगे। प्रशांत कुमार इसके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड इसकी टैगलाइन भी आप याद रख लीजिएगा, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। ओके, येस बैंक आपको जरूर ध्यान रखना है, एंड 50 लाख शेयर होल्डर्स से भी ज़्यादा है इस बैंक के पास, डिफरेंट शेयर होल्डर्स इसके हैं। ओके, सेकंड नंबर में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर कौन है? टाटा पावर सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर में हमारी रिलायंस है, बट द इंपॉर्टेंस आप येस बैंक याद रखें, डेट्स ऑल। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउन्ड एज द फेमिना मिस इंडिया 2023, तो इन्हें सम्मानित किया गया। इनका नाम आपको बताना है, हर नेम इज नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता इज फ्रॉम कोटा राजस्थान, तो ये नाम आपको याद रखना। नाउ शी विल कॉन्टेस्ट फॉर मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ग्लोबली रहती है। ओके, तो ये आपको याद रखना। एंड कोटा शी इज फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान की एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर श्योर आपको याद रखना है, शिवा चौहान का नाम भी आपको जरूर याद आ रहा होगा। शी इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, जो फर्स्ट वुमन बनी थी जिन्हें डिप्लॉय किया गया सचिन ग्लेशियर एट कुमार पोस्ट इन लद्दाख, वो आपको याद रखना है। ओके, तो ये आप याद रखें, नंदिनी गुप्ता इनका नाम है। सेव द एलिफेंट डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 16 अप्रैल को। ओके, 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। एंड 16 अप्रैल इसका जो थीम है, सेफ गार्डिंग एलिफेंट्स हैबिटेट फॉर सस्टेनेबल टुमारो। यू नो, आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे? अगर
सबसे ज्यादा एलिफेंट्स आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पे मिलेंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बता सकते हो? टाइगर सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ओके, अभी अब मैं एलिफेंट्स पूछ रहा हूँ आपसे, तो सबसे ज्यादा एलिफेंट आपको मिलेंगे कर्नाटका में, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आपको एलिफेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एलिफेंट आपको कर्नाटका में मिलेंगे। टोटल राइट नाउ प्रेजेंटली अगर एक रिपोर्ट था 27,000 लगभग हमारे पास एलिफेंट्स हैं हमारे इंडिया में। ओके, ये अभी याद रखें। रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज कम्प्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, तो हमारे इंडियन रेलवे को 170 साल पूरे हो चुके हैं, 170 ईयर्स हमने रिसेंटली कम्प्लीट किए। यू नो पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी बॉम्बे टू थाने। ओके, बॉम्बे टू थाने जो फर्स्ट रेलवे जो हमने चलाई थी वो आपको याद रखना है। इन द ईयर आप मुझे कमेंट करके बताइए जरा, देखते हैं कितने लोगों को याद है किस ईयर में फर्स्ट रेलवे चली थी। ईयर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब आप टोटल ईयर्स बता चुका हूँ, यू कैन ईजिली आप आंसर निकाल सकते। ओके, एंड यू नो डेली 2.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं हमारे इंडियन रेलवे, मैं डेली का बता रहा हूँ, तो इमेजिन कर लीजिए कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा। Who among the following are the authors of the Great Bank Robbery, NPA Scams and the Future of Regulation? तो इस बुक के author कौन है? Recently इस बुक को रिलीज किया गया। So correct answer for this question is Pattabhai Ram and Subseshi Das is the correct answer for this question. Option number C is the correct answer for this question. Author याद रखें। Recently which of the following organization has launched the Mission 50K E4ECO? तो किसके द्वारा? Basically इस mission के तहत promotion करना है electric vehicles का। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन करना है। एंड यू नो अभी आपको मैंने इसका आंसर बता दूं, सबसे पहले इसका आंसर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सी रमन इसके चेयरमैन है, इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में आपको मिलेंगे। यूपी ने डिसाइड किया 2030 तक, 2030 तक जितने भी व्हीकल्स हैं उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली एक टारगेट सेट किया कि 2030 तक जितने भी व्हीकल्स यूपी में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है सिडबी, सिडबी द्वारा बेसिकली टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया मिशन 50 के EV4ECO, याद रखें। Recently, according to the report by the Association for Democratic Reforms, एक report release किया गया, who among the following is the wealthiest CM in India? सबसे अमीर 510 करोड़ के इनके assets हैं। Second number पे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, and इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है पेमा खांडू, जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एंड अगर मैं सबसे गरीब की बात करूँ, नॉट गरीब बट अगर वेल्थ के मामले में देखा जाए तो सबसे कम पुअरेस्ट जो आई वो हमारी ममता बनर्जी, उनके पास मात्र 15 लाख के एसेट्स हैं, सिर्फ 15 लाख रुपए। ओके, तो इसमें आपसे रिचेस्ट पूछ रहा था ये हमारे जगनमोहन रेड्डी, पुअर्स पूछ ले तो ममता बनर्जी। सो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन कन्फर्ड विद यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023, तो किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिए कीजिए अगर आप डेली वॉच कर रहे हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी क्वेश्चंस हमारा पसंद आ रहा है, तो फॉर श्योर यू हैव टू हिट द लाइक बटन। वीडियोस में अगर थोड़े से टाइमली अगर नहीं आ पा रहे, टाइमली इन द सेंस कि अगर मैं देखो सेम डे वीडियो आ जाएगा, दिस इज माय एश्योरेंस। आज भी थोड़ा लेट है, कल भी लेट था, अब ऐसे नहीं कि कल भी लेट होगा, टाइमली कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं रेगुलरली टाइमली बना पा रहा। रेगुलर तो आ रहे, थोड़े टाइमली नहीं आ रहे, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको मॉर्निंग में तक अपडेट कर दिया करूँ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।